स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। श्योपुर, शिवपुरी, दमोह में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीण इलाकों में तो बारिश से हालात बहुत बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस समय बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर हालात कितने गंभीर बने हुए हैं, लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ी हुई हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं और कई जगह पर तो सड़कें ही नजर नहीं आ रही हैं। हर तरफ पानी में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो कई जगह ऐसी है जहां पर बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालातों ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया है। जेसीबी की मदद से भी कई जगह लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ट्रैक्टर बाहर निकालते हुए जेसीबी को आप देख पा रहे हैं। और एक और तस्वीर ये देखिए, पानी का उफान देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हालात कितने भयावह नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले लगातार बारिश वहां पर हो रही है, लोग परेशान हैं। कई जगहों पर लोग अपने घरों की छत पर फंसे हुए हैं, कोई रास्ते में निकल रहा है तो रास्ते में फंस जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट का असर श्योपुर, शिवपुरी और दमोह जिले में ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां हो रही बरसात से बाढ़ जैसे हालात हैं। श्योपुर में पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है कि लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। श्योपुर का ग्वालियर, शिवपुरी जिले से संपर्क टूट चुका है। श्योपुर पुलिस लाइन और स्टेडियम के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ में फंसे 12 छात्रों और 35 गांव वालों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। तो वहीं मंदिर में फंसे संत और श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। शिवपुरी में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। पूरी बीते 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है कि यहां पर बारिश रुक नहीं रही। लगातार हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। पोहरी से करीब 24 गांव का संपर्क टूट चुका है और जहां वाटरफॉल्स हैं वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन बढ़ते पानी को देखते हुए सैलानियों को रोकने के लिए या उन्हें आगे बचाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। मुरैना में भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। रपटे पर 3-3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। रपटा पार करते समय दो शख्स यहां बह गए जिन्हें लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रपटे पर 3 फीट ऊपर बह रहा पानी और रपटे को पार करने की कोशिश में दो लोग बह गए थे। गनीमत रही कि उन्हें वक्त रहते बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। श्योपुर के बड़ौदा इलाके में बाढ़ के पानी में फंसे 12 छात्रों और 35 गांव वालों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो वहीं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फंसे लोगों को प्रशासन की टीम ने ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया। जिले में बहने वाली अमराल नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते बड़ौद चारों तरफ से पानी में घिर गया और कई लोग घरों की छत पर फंसे हुए नजर आए। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उधर शाजापुर और ग्वालियर में भी जबरदस्त बरसात से हाल बेहाल है। शाजापुर के कई इलाकों में जोरदार बारिश से नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई ग्रामीण इलाकों का सड़क से संपर्क कट गया है। तो वहीं ग्वालियर में शहर के पौश इलाकों में जलभराव हो गया। बसंत विहार में सड़कें तालाब बन गई। सड़क पर 3-3 फीट तक पानी भर गया। वाहन चालकों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो एमपी के कई जिलों में इस तरह के हालात बने हुए हैं और असल हालात वहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
और मुरैना से अमित शर्मा के साथ ही दमोह से आशीष जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले ग्वालियर का रुख कर लेते, सुशील वहां बताएं क्या हालात हैं, क्या कह रहा है मौसम विभाग। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया था कि बारिश होगी, तो लगातार आप देख सकते हैं कि 12-14 घंटे से बारिश हुई है और बारिश के हालात ये है कि ये ग्वालियर शहर का पॉश इलाका है बसंत विहार। आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, ये सड़क कम या स्विमिंग पूल या नदी तालाब नजर आ रही है। आप देखिए कि लगातार जो वाहन चालक है कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई वाहन बीच रास्ते में बंद हो रहे हैं, जरा बात लोग अगर बात हो पाए तो। परेशान हो रहे हैं, देखिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताए क्या क्या स्थिति है? बहुत गंभीर स्थिति है साहब, सड़क नजर आ रही है कि तालाब है क्या? तालाब ही है वो, तो वो अच्छी कॉलोनी है, बढ़िया अच्छी कॉलोनी। देखिए और भी लोगों से बात करेंगे। या आप देखिए क्या स्थिति है कि लोग जो है ये क्या स्थिति है सड़कों की, पानी का मार वो गिरेगा। देखिए बाइक सवार जो है ये गिर गए हैं, ये आप देखिए हालात इसी तरह के बन रहे हैं सुबह से कि परिस्थितियां ऐसी है। भैया ये सड़क है या तालाब है, क्या है ये भाई? भरा पड़ा है भाई साहब, कुछ नहीं है, भरा पड़ा है यार, कुछ नहीं है। आप देखिए ये जो वाहन आ रहे हैं किसी तरह से परेशानी हो रही है, निश्चित तौर पर जो बारिश है वो बारिश से ज्यादा परेशानी यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के चलते। जो दूर देहात के इलाके हैं वहाँ क्या हाल होगा? स्मार्ट सिटी की सड़कें हैं ये। हाँ बिल्कुल, लौटेंगे सुशील आपके पास। चलते हैं मुरैना, मुरैना का क्या हाल है, क्या तस्वीर है, हमें जरा दिखाएं भी और बताएं भी। अब बिल्कुल देखिए मुरैना की बात की जाए तो सुबह से ही हो रही रुक रुक करके बारिश के चलते कई नदी नाले ऐसे हैं वो उफान पर हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि जो कैलारस मुख्यालय यानी कि जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूरी पर जो गांव बसे हुए हैं वो एक दर्जन से अधिक गांव का जो कैलारस मुख्यालय से संपर्क कट गया है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं और कई मरीज भी ऐसे फंसे हुए हैं वो अपना उपचार तक नहीं करा पा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि बारिश के चलते नदी नालों में उफान आ गया है। सोन नदी में उफान है जिसके चलते ब्रह्मवाजना और कई ऐसे आरोदा जैसे ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क कैलारस कस्बे से कट गया है। यही वजह है कि अब उन लोगों को उपचार से लेकर के अन्य सारी व्यवस्थाओं के लिए यानी कि राशन सामग्री जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही है। खास बात यह है कि कई नालों पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वहां से जो राहगीर हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं और 2 फीट पानी में ऊपर होकर के निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अमित आपके पास दमोह भी चलते हैं, दमोह से आशीष जैन जुड़े हुए हैं। आशीष जैन, दमोह की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या पानी भरा हुआ है, कितनी मुश्किलें हैं? अनिश्चित मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह की जो तस्वीरें हैं बड़ी ग्रामीण अंचलों की तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें हमने आपको आज दिन भर दिखाई हैं जिसमें एक तस्वीर दमोह की है जो सिग्रामपुर की है, वहां पर नाला पार करके लोगों को शव जलाने के लिए जाना पड़ता है, मृत्यु होने के बाद नाले का पानी पार करना पड़ता है, मुश्किलों के बाद गिरते पड़ते उनको जाना पड़ता है। दूसरी तस्वीर हमने बटियागढ़ की दिखाई है, जूड़ी नदी में एक ट्रैक्टर डूब जाता है, चूंकि गहराई का अंदाज़ा चालक को नहीं होता, किसान को नहीं होता, और वह उससे नदी के पानी में डूब जाता है, बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से उसको निकाला जाता है। तो तीसरी तस्वीर जो है वो एक स्कूल की है जहाँ पर शिक्षक जो हैं स्कूल के अंदर हैं और छुट्टी जब होती है तब पता चलता है कि बारिश का जो पानी है वो पूरे मैदान में भर गया है। तो ऐसे में जब बाइक सवार शिक्षक बाहर निकल के कोशिश करते हैं तो वो पानी में बहने लगते हैं, हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा उनको बचाया जाता है। तो ग्रामीण अंचलों में दमोह में भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही है। भरी सड़क के बीचों बीच खड़े सुशील कौशिक हमारे सहयोगी, सुशील जरा दिखाए वहां पर बसंत विहार जो आप बता रहे हैं ये पॉश एरिया है ग्वालियर का, वहां ये हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि आप ये देखिए, ये दूसरे छोर पर आप देखिए ये सड़क जिस पर हम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये 1.5 से 2 फीट पानी है और ये वाहनों की क्या स्थिति है इन वाहनों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए ये बाइकें जैसे ही निकलती है पानी में तो निकलने के दौरान खराब हो जाती है। आप अक्सर लोग जो परेशान हो रहे हैं लोगों से जानेंगे क्या किस तरह की परेशानी हो रही भाई? अरे ये गड्ढे भरे हैं जगह जगह, ये तो सड़क है स्मार्ट, अब क्या कर सकते हैं।
देखिए ये लगातार जो वाहन आ रहे हैं, वाहनों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर जो सवारी वाहन है वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप देखिए ये देखकर, ये नज़ारा देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये ग्वालियर स्मार्ट सिटी की सड़क है। लगता ऐसे है जैसे कोई स्विमिंग पूल हो या फिर नदी हो। आप देखिए इधर देखिए, पूरा ये इलाका लगभग आधा किलोमीटर तक पूरी सड़क जो है पानी में डूबी हुई है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए ये लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें पानी भरा हुआ है। ये हाल तब है कि जब करीब एक घंटे से बारिश रुकी हुई है। अगर बारिश होती है तो समझा जा सकता है कि बारिश के दौरान क्या स्थितियां यहां बनती है। बहुत धन्यवाद सुशील, अमित और आशीष आप तीनों का ही। और जिस तरह से यहां पर सड़कों की स्थिति है तो पानी ही पानी दिख रहा है, सड़क तो दिख ही नहीं रही। बढ़ते हैं आगे, श्योपुर की बात कर लेते हैं जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पानी में डूबे पुल से स्कूल वैन को ले जाने वाले ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला विजयपुर के इकलौत गांव के पास का है। ड्राइवर ने वैन में बैठे बच्चों की जान को खतरे में डाला था, जिसकी कोटवार ने शिकायत की और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजयपुर पुलिस ने FIR दर्ज की है। बता दें कि वैन विजयपुर के गुरुकुल स्कूल की थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब ड्राइवर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। यहां वैन ड्राइवर ने इस पानी से वैन को निकालने की कोशिश की, बच्चों की जान को खतरे में डाला और अब उस ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। श्योपुर जिले में करीब 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक होती रही झमाझम बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जिले की ज्यादातर नदियां उफान पर पहुंच गई हैं। बंजार डैम से लेकर के तमाम नाले हैं, ओवरफ्लो चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हम इस समय मौजूद हैं विजयपुर थाना इलाके के इकलौत गांव के पास क्वारी नदी के पुल पर। आप देख सकते हैं ये वही क्वारी नदी का पुल है और इस समय क्वारी नदी उफान पर है। जो पुल है वो पानी में डूबा हुआ है। कुछ देर पहले भी ये पानी में डूबा हुआ पुल था, तब एक निजी स्कूल के ड्राइवर ने बच्चों से भरी हुई स्कूली वैन को इस पुल से होकर गुजारा था। उसमें तमाम जिंदगियां थीं जिनकी जान को खतरा हो सकता था। नन्हे बच्चे थे जो तैरना भी नहीं जानते थे। इन हालातों में अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती या नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, लेकिन ड्राइवर ने लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए पानी में डूबे हुए पुल को उस वैन से पार कराया गया था। इस मामले में विजयपुर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर। वही दमोह में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ नदी में समा गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर किसान को तैरना आता था और उसने तैरकर अपनी जान बचा ली। मामला बटियागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां किसान अपने ट्रैक्टर से खेत में बुआई करने गया था। लौटते वक्त उसने कीचड़ लगे अपने ट्रैक्टर को धोने के लिए नदी में उतारा, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से पूरा ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर नदी में समा गया। तैरकर उसने अपनी जान बचा ली। उसके बाद सूचना दी, JCB की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। अरे यहाँ धोने के लिए आए थे पानी करके, तो उसी हमने धोला, हमें तो पता नहीं क्योंकि मतलब गहरीकरण हो गया, इसलिए हमने धोने आए तो खिसक गया। कौन सा ट्रैक्टर था? वहीं दमोह में भारी बारिश के चलते ही गांव वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों को अंतिम संस्कार में भी समस्याएं आ रही हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे के सिंग्रामपुर गांव में पानी नाले के ऊपर से बह रहा है। अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों को नाला क्रॉस कर दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। आज बड़ी दुख का विषय है कि हमारे शमशान घाट में आने के लिए नाले को पार करना, कमरन पानी से आना पड़ता। बरसात में कभी कभी बहुत दिक्कत होती है अंतिम संस्कार के लिए, तो आने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए ग्रामवासी मांग करते हैं कि यहाँ नाला जो है उसके ऊपर स्टॉप डैम कम पुल बनाया जाए, क्योंकि बरसात में अंत्येष्टि के लिए अधिक परेशानी ना हो, कम से कम आदमी के समय पर अंत्येष्टि हो जाए। इधर अंतिम संस्कार में आते समय रास्ते में बहुत दिक्कतें आती हैं। नदी पड़ती है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग आने में असमर्थ होते हैं। तो इधर भिंड में BA और BSc की परीक्षा में हो रही नकल पर बड़ी कार्रवाई की गई। लहार SDM और नायब तहसीलदार ने लहार और ITI कॉलेज में परीक्षा के दौरान छापा मारा
और 5 नकलचियों को पकड़ लिया। एसडीएम प्रशासनिक अमले को साथ लेकर जब आईटीआई कॉलेज पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। कॉलेज में परीक्षार्थी जमकर नकल कर रहे थे और पर्यवेक्षक उनकी नकल की निगरानी कर रहे थे। मैं चूंकि अभी शिकायत मिल रही थी और जब निरीक्षण में आकर मैंने देखा तो यहाँ बड़े रूप में जो है नकल करवाई जा रही है, जिसमें पर्यवेक्षक और यहाँ का जो कक्षा केंद्र प्रभारी है वो सम्मिलित है जी। और जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है हम लोगों ने ले ली है तो उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, आप लोगों के पास भी फुटेज पहुँच गई है। उसमें सर झुंड के झुंड दिख रहे हैं तो क्या फुटेज में स्पष्ट रूप से? बिल्कुल वो फुटेज यहीं की है जी। और जो है वो सारी चीज़ें उसमें सेव हैं और उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पर्यवेक्षक दिखाई दे रहे हैं उसमें, यहाँ के केंद्र प्रभारी दिखाई दे रहे हैं जी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई एविडेंस। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन में कपिला गौशाला में पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कपिला गौशाला का दौरा भी किया और उसे देखा। मुख्यमंत्री ने कपिला गौशाला में गौ माता को पुष्पमाला पहनाकर और तिलक लगाकर पूजन किया, आरती उतारी। इस दौरान उन्होंने नन्हे बछड़ों को चारा खिलाकर दुलार भी किया। गौशाला में CSR से उपलब्ध आधुनिक पशु चारा मशीन सहित अन्य उपकरणों को भी देखा। कपिला गौशाला के अच्युतानंद जी महाराज ने गौशाला के किए गए नवाचार और गौशाला संवर्धन के मास्टर प्लान की जानकारी दी। विकलांग दिव्यांग ऐसी गौ माता जो सड़क पे घूमती है, प्रत्येक गौ माता को बचाना हम सबका दायित्व है। इसी नाते से सरकार ने प्रबंधन किया है कि गौशालाओं में प्रबंधन बेहतर करते हुए गौशालाओं से संतों को जोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और लगातार गौ माता जो सड़क पे आवारा घूमती है, खास करके ऐसी गौ माता जिससे दूध की संभावना कम है, उनका जीवन बचाने के लिए सरकार ने व्यवस्था जुटाई है और सबको गौ सेवा प्रबंधन से जोड़ रहे हैं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके की जनता इन दिनों भारी परेशानियों से जूझ रही है। इसको लेकर मंत्री ने जब जनसुनवाई की तो उनके इलाके में सैकड़ों की संख्या में लोग समस्या लेकर पहुंच गए। कहीं लोग बारिश में नालियों का पानी घरों में भरने की समस्या से परेशान हैं तो कहीं लोग खराब सड़कों और बिजली कटौती की समस्या लेकर पहुंचे। घरों में पानी भरने की समस्या लेकर आए लोगों ने तो मंत्री जी को खरी खोटी भी सुना दी। मंत्री के पास शिकायत लेकर आए वार्ड नंबर 4 के लोगों ने बताया कि उनके इलाकों में बारिश के मौसम में नालियों का पानी भी घरों के अंदर आ रहा है। मिर्जापुर के लोगों ने बताया कि उनके इलाके में नालियां अतिक्रमण का शिकार हो गई, इसके चलते बारिश के दौरान भारी जल जमाव रहता है, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों ने मंत्री जी को खरी खोटी भी सुनाई। अरे मैं आ गया, सब आ गए और सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। आप बोलिए उसको। जी आ रही है, आज दिन घर में पानी आ रहा है और गंदगी में खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। कम से कम 15 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है 4 नंबर वार्ड में। आज मंत्री जी के हम आए, हम बुलाए हमने सबसे, तो आज हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई ऐसे ही भरा रहेगा पानी तब से परेशान। और अब बात लोगों के गुस्से के उबाल की। तस्वीरें मुरैना और छतरपुर से सामने आई हैं, जहां मुरैना में बदमाशों ने कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की। 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की, इसे देखकर छात्रों में हड़कंप मच गया। तो वहीं छतरपुर में युवक के साथ भी सड़क पर मारपीट हुई, थाने के सामने जमकर जूते चप्पल और लात घूंसे चले। तो मुरैना में ही दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। मारपीट मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर हुए विवाद के बाद हुई, जिसमें दोनों ही तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां जल्द तैयार होगी कांग्रेस की नई टीम। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है, हार के कारणों पर मंथन किया गया है। विधानसभा चुनाव में जीते और हारे प्रत्याशी शामिल हुए, नई टीम का आकार छोटा होगा, 2 हफ्ते में ही सामने आ जाएगी नई टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही तैयार की जाएगी कांग्रेस की नई टीम। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का ये कहना कि ये सारी मीटिंगें, बैठकें, चिंतन सारा करने के बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में जाके अपने कार्यकर्ता से उसी स्थान पे वार्तालाप करूं, उनसे बात करूं
क्या किया जाना चाहिए, क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि जब ब्लॉक स्तर पर बैठ के कोई बैठक होगी तो उसका असर होता है और लोगों के मन में एक जुड़ाव होता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो हमें निश्चित रूप से कमर कसना पड़ेगी, तो ये एक अच्छी पहल है। और अब बात करेंगे रीवा की, जहां सरकारी स्कूल के एक टीचर के करतूत ने पूरे शिक्षा जगत को शर्मसार कर रख दिया। स्कूल के जिस टीचर के कंधों पर छात्रों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, वही शिक्षक नशे के अंधकार में डूबा हुआ दिखा। दरअसल सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का नशे में धुत होकर क्लासरूम के अंदर सोने का ये वीडियो सामने आया है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रीवा के प्राथमिक स्कूल बोदाबाग का है। शासकीय प्राथमिक शाला बोदाबाग जन शिक्षा केंद्र मार्टन क्रमांक 2, यहाँ में शिक्षक, यहाँ के शिक्षक हैं।